Hey guys, welcome to the next video. Our topic for today is Ind AS 115, Revenue from Contracts with Customers, Determining Transaction Price. अब सबसे पहला पॉइंट है कि ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होता है. ट्रांजैक्शन प्राइस मींस अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन दैट एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू बी एंटाइटल्ड टू इन एक्सचेंज ऑफ ट्रांसफरिंग प्रॉमिस्ड गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर एंड एक्सक्लूड्स एनी अमाउंट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी. यानी कि अगर मैं एक एंटिटी हूँ और मैं कस्टमर को गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर कर रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उन गुड्स या सर्विसेज के बदले मुझे एक प्राइस मिलेगा. तो हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन प्राइस यूज करते हैं. और जरूरी नहीं है कि ट्रांजैक्शन प्राइस हर बार लिस्ट प्राइस के बराबर हो यानी एमआरपी के बराबर हो. इसका कंसेप्ट हम आगे और पढ़ेंगे. लेकिन ट्रांजैक्शन प्राइस में अगर हम गवर्नमेंट के बिहाफ पे कुछ कलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, या किसी थर्ड पर्सन के बिहाफ में कुछ भी अमाउंट कलेक्ट करते हैं तो उसको एक्सक्लूड करते हैं. अब ये जो चार्ट है इसमें ट्रांजैक्शन प्राइस का पूरा कंसेप्ट है. तो ट्रांजैक्शन प्राइस में टोटल चार एलिमेंट्स होते हैं. सबसे पहला एक कंसिडरेशन मिलता है हमको. दूसरा होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी. हो सकता है कि मैं कस्टमर को डेफर्ड क्रेडिट पीरियड में कुछ गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ. तो डेफर्ड क्रेडिट में जब भी प्रोवाइड करते हैं तो हमने इंड एस 2, इंड एस 16 इन सब में भी देखा था कि डेफर्ड क्रेडिट के केस में हम कैश प्राइस पे उस गुड्स या सर्विसेज को वैल्यू करते हैं और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको एज अ इंटरेस्ट कॉस्ट में रिकॉग्नाइज करते हैं. तो द सेम कंसेप्ट विल अप्लाई हियर. यहाँ पर भी हम उन गुड्स या सर्विसेज का फेयर वैल्यू या कैश प्राइस लेंगे और जो भी डिफरेंस होगा दैट इज बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो उसको हम एज अ फाइनेंस कॉस्ट दिखाएंगे. थर्ड है फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कैश कंसिडरेशन. यानी कि अगर हम एक गुड्स और सर्विसेज दे रहे कस्टमर को जिसके बदले हमको खुद को एक गुड्स या सर्विसेज मिल रहा है तो हम उसके फेयर वैल्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे. और लास्ट है कंसिडरेशन पेएबल टू द कस्टमर. दिस इज अ डिफरेंट एलिमेंट. हम कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर क्या होता है कि काफी बार हम कस्टमर को डिस्काउंट या कूपन ऑफर करते हैं तो दैट बिकम्स आर कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर. अब सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं कंसिडरेशन. अब कंसिडरेशन जो हमको कस्टमर से मिलता है वो दो टाइप का हो सकता है. सबसे पहला है वेरिएबल और दूसरा है फिक्स्ड. फिक्स्ड क्या है कि कस्टमर से आज ही मैं बात कर ले रहा हूँ कि भाई मैं जो गुड्स दे रहा हूँ उसके बदले तुम्हें को 1 लाख रुपए देना. तो ये 1 लाख रुपए कहीं जाने वाला नहीं है तो 1 लाख रुपए फिक्स्ड हो गया. और हो सकता है कि कस्टमर के साथ मैं कुछ वेरिएबल कंसिडरेशन पे भी रिकॉर्ड करूँ. वेरिएबल कंसिडरेशन हो सकता है कि दैट डिपेंड्स ऑन कंडीशंस, मे बी कि मैं गुड्स कैसे दे रहा हूँ, मे बी माई परफॉर्मेंस. तो दैट इज वेरिएबल. वो वेरिएबल कंसिडरेशन मुझे आज के आज नहीं पता रहेगा कि कितना मिलना है. तो इंड एस 115 बोलता है कि अगर आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई कर लिया और अगर आपने गुड्स और सर्विस ट्रांसफर कर दिया तो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करो. तो जिस पॉइंट पे मैंने गुड्स या सर्विस ट्रांसफर कर दिया उस पॉइंट पे जरूरी नहीं है कि मुझे पता होगा कि वेरिएबल कितना है. फिक्स तो पता रहेगा लेकिन वेरिएबल कितना है जरूरी नहीं है मुझे पता होगा. तो इंड एस 115 बोल रहा है कि वेरिएबल कंसिडरेशन चाहे वो एक्सप्लिसिट हो या इम्प्लिसिट हो. एक्सप्लिसिट मतलब एक्सप्रेसली स्टेटेड रहता है कि आपका परफॉर्मेंस ऐसा रहा तो इतना परसेंट मिलेगा, अ कंडीशन लाइक दैट. और इम्प्लिसिट क्या होता है, इम्प्लिसिट कस्टमरी प्रैक्टिसेस होता है ना, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स बोलते हैं. तो जो इंडस्ट्री का एक नॉर्मल वे ऑफ फंक्शनिंग है उस पर डिपेंड करता है वेरिएबल कंसिडरेशन. तो इंड एस 115 बोल रहा है कि चाहे वेरिएबल कंसिडरेशन एक्सप्लिसिट हो चाहे इम्प्लिसिट हो आपको आज ही एस्टिमेट करना होगा अगर आपको एक्चुअल नहीं पता है तो. अब एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स दिया इंड एस 115 ने. सबसे पहला मेथड है एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड. एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड कब यूज करते हैं, जब एंटिटी के पास लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले कॉन्ट्रैक्ट हो. अब लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्ट्रैक्ट यानी सिमिलर गुड्स और सर्विसेज देता है सिमिलर टाइम पीरियड पे, सिमिलर क्रेडिट पीरियड पे, सिमिलर नेचर ऑफ कस्टमर्स को. तो दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑफ सिमिलर नेचर. और अगर एंटिटी के लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिमिलर नेचर या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं तो वो एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड अप्लाई कर सकता है. अब एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड में हम कंसिडरेशन को रिकॉर्ड करते हैं एट सम ऑफ प्रोबेबिलिटी वेटेड एवरेज अमाउंट्स. प्रोबेबिलिटी वेटेड एवरेज अमाउंट्स यानी प्रोबेबल होंगे कि भाई हमको इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले 1 लाख
1.1 लाख, 1.2 लाख और 1.3 लाख मिलेगा। हो सकता है कि 1 लाख का इतना प्रोबेबिलिटी है, 1.1 का इतना प्रोबेबिलिटी है, 1.2 का इतना प्रोबेबिलिटी है और 1.3 का इतना प्रोबेबिलिटी है। अब इन सबके प्रोडक्ट्स का समेशन, दिस विल बिकम माय एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड का रेवेन्यू। सेकेंड मेथड है द मोस्ट लाइकली अमाउंट। द मोस्ट लाइकली अमाउंट में हम तब यूज करते हैं जब एक कॉन्ट्रैक्ट में पॉसिबल आउटकम सिर्फ दो है। अब दो पॉसिबल आउटकम का क्या मतलब, या तो मुझे वो वेरिएबल कंसिडरेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब मिलेगा या नहीं मिलेगा, दिस इज कंटिंजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट। तो इसी के लिए मुझे ये एस्टिमेट करना होगा कि कौन सा इवेंट मोस्ट प्रोबेबल है, हैपनिंग ऑफ इवेंट या नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। उससे मुझे ये पता चलेगा कि क्या मुझे वो वेरिएबल कंसिडरेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर मिलेगा तो दैट इज माई सिंगल मोस्ट लाइकली अमाउंट और उसके कारण मैं रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर सकता हूँ, और नहीं मिलेगा तो दैट इज माई सिंगल मोस्ट लाइकली अमाउंट और इसीलिए मैं उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकता। फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कैश कंसिडरेशन का भी सेम है, ये भी इंड एएस 2, इंड एएस 16 सब में कवर किया था। ऑल्दो वी विल डू मोर एग्जाम्पल्स हियर। कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर, अब हमको ये देखना है कि क्या मैं जो कंसिडरेशन दे रहा हूँ कस्टमर को, उससे कुछ डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज बन रहे हैं क्या। यानी कि मेरे कंसिडरेशन देने से कुछ नए सर्विसेज कस्टमर हमको प्रोवाइड कर रहा है क्या, या कुछ गुड्स कस्टमर हमको दे रहा है क्या जो डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब अगर मैं कस्टमर को कंसिडरेशन दे रहा हूँ, जिससे इनडायरेक्टली ये हो रहा है कि कस्टमर मुझे एक डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विस दे रहा है, तो इट इज अ काइंड ऑफ परचेज फॉर मी। तो इसी के लिए इस केस में मैं उसको एक सेपरेटली एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड करता हूँ। अब ये चार्ट तो खत्म हो गया। यहाँ पर एक चीज जो है कि जो भी मैं एस्टिमेशन मेथड यूज करता हूँ अपने वेरिएबल कंसिडरेशन के लिए, वो मेथड को मुझे कंसिस्टेंटली यूज करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कभी एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड यूज कर रहा हूँ, कभी मन कर रहा तो मोस्ट लाइकली अमाउंट वाला मेथड यूज कर रहा हूँ। विच एवर मेथड आई एम यूजिंग हैज टू बी कंसिस्टेंट, ऑल्दो आई कैन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द मेथड। कॉम्बिनेशन कैसे यूज करते हैं कि हो सकता है एक कॉन्ट्रैक्ट में काफी सारे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं। अब उसमें से कुछ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस ऐसे हैं जिनका सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो मैं क्या करूंगा, जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले उनको एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड से रिकॉग्नाइज कर लूंगा, और जो ऐसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है जिनका सिर्फ दो ही पॉसिबल आउटकम है, उनको मैं मोस्ट लाइकली अमाउंट से रिकॉर्ड कर लूंगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं मल्टीपल एस्टिमेशन मेथड्स यूज कर सकता हूँ, लेकिन अगेन दोज हैव टू बी कंसिस्टेंट। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अ सेलर सेल्स एट ₹100, ही ऑफर्स कैश डिस्काउंट ऑफ 10% इफ पेमेंट इज मेड विद इन 30 डेज एंड 40% ऑफ कस्टमर्स ऑप्ट फॉर इट। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो 40% ऑफ कस्टमर्स 10% डिस्काउंट ले रहे हैं, यानी 40% ऑफ कस्टमर्स 90% कंसिडरेशन देंगे, दैट इज ₹90। तो हमारा आज रेवेन्यू आ जाएगा 100 × 60% एंड 90 का 40%, दैट इज ₹96। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ग्रेट मंथली वेरिएबिलिटी एंड प्रपोर्शन ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर विच डिस्काउंट टेकन इज फ्रीक्वेंटली एज एज 70% मैक्स, यानी कि जो 40% है दैट इज नॉट फिक्स। हो सकता है कि 70% तक कस्टमर जो डिस्काउंट के लिए ऑप्ट करें, तो आज मैं उसको एस्टिमेट नहीं कर सकता। तो इंड एएस जो है और पूरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, ये प्रूडेंस कंसेप्ट पे बेस्ड रहता है। यानी कि वी प्रोवाइड फॉर द मैक्सिमम लॉसेस बट वी डू नॉट प्रोवाइड फॉर द प्रॉफिट। तो यहाँ पर मैं 40% लेने की जगह 70% रेवेन्यू को 90 पे लूंगा, तो इससे मेरा रेवेन्यू जो रिकॉर्ड करना है वो आएगा 100 × 30% प्लस 90 × 70%, दैट इज 93। क्वेश्चन 3, ए लिमिटेड प्रोवाइडेड 1 लाख मिनट्स ऑफ फ्री टॉक टाइम टू बी लिमिटेड इन एक्सचेंज ऑफ 20,000 यूनिट्स ऑफ फ्री पावर। ए जो है वो नॉर्मली ₹0.5 पर मिनट चार्ज करता है और बी जो है ₹3 पर यूनिट चार्ज करते हैं। तो ये एक बार्टर ट्रांजैक्शन है, यानी कि नॉन कैश कंसिडरेशन वाला ट्रांजैक्शन, और इसको हम रिकॉर्ड करते हैं फेयर वैल्यू ऑफ द गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइडेड और फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विसेज रिसीव्ड, व्हिचएवर इज क्लियरली एविडेंट। तो यहाँ पर
ए जो है ए रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा एट 20,000 यूनिट्स ऑफ पावर उसको मिल रहा है, तो 20,000 इंटू 3 रुपीज पर यूनिट 60,000, क्योंकि ए के लिए जो सर्विसेज उसको मिल रहे हैं दैट इज मोर क्लियरली एविडेंट। सिमिलरली बी को जो सर्विस मिल रहा है वो उसके लिए क्लियरली एविडेंट होगा। इसी के लिए बी 1 लाख मिनट्स जो फ्री टॉक टाइम मिला है उसको फेयर वैल्यू यानी 0.50 रुपीज पर मिनट पे रिकॉर्ड करेगा, तो बी के लिए रेवेन्यू आ जाएगा 50,000 रुपीज। क्वेश्चन फोर, ओट्स लिमिटेड सेल्स सीरियल्स टू बिग बाजार एंड पेज स्लॉटिंग फी। स्लॉटिंग फी होता है जब हम बड़े बड़े कन्वीनियंस स्टोर को एक फीस देते हैं ताकि हमारे प्रोडक्ट्स को सामने रखे जिससे कस्टमर्स उसको ज्यादा देख पाए, एंड एडवर्टाइजिंग फी, सच एडवर्टीजमेंट इज इन ह्यूज डिमांड बाय अदर कॉम्पिटिटर्स एंड इज अ सिग्निफिकेंट रेवेन्यू सोर्स फॉर बिग बाजार। तो क्वेश्चन ये हिंट कर रहा है कि जो एडवर्टाइजिंग फी है वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल भी है और उसका बेनिफिट कस्टमर्स डिस्टिंक्टली ले सकते हैं, सेपरेटली ले सकते हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि एडवर्टाइजिंग फी जो है दैट बिकम्स अ डिस्टिंक्ट सर्विस, यानी कि वो एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बन जाएगा। लेकिन स्लॉटिंग फी के केस में एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर मैं प्रोडक्ट नहीं दे रहा हूं तो मैं स्लॉटिंग फी से कुछ बेनिफिट नहीं कमा सकता, यानी कि माय सेल यानी कि मेरा सेल करना प्रोडक्ट का बिग बाजार को उसी का पार्ट बनता है स्लॉटिंग फी। अगर मैं प्रोडक्ट नहीं सेल करूंगा तो मैं स्लॉटिंग फी भी नहीं देता, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहा हूं तो मैं बिग बाजार में एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूं। इसी के लिए एडवर्टीजमेंट जो है वो एक सेपरेटली आइडेंटिफाइबल सर्विस है और स्लॉटिंग फी जो है वो एक सेपरेटली आइडेंटिफाइबल सर्विस नहीं है। तो मेरा जो सीरियल का सेलिंग और स्लॉटिंग फी है दैट बिकम्स वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, और जो एडवर्टीजमेंट का खर्चा है दैट बिकम्स अनदर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो स्लॉटिंग फी के लिए हम उसको ट्रांजैक्शन प्राइस से रिड्यूस कर देंगे, यानी कि बिग बाजार हमको सीरियल्स के बदले जितना प्राइस दे रहा है, जो ट्रांजैक्शन प्राइस हम कैलकुलेट करेंगे उससे हम जो स्लॉटिंग फी दे रहे हैं वो माइनस कर देंगे। और रही बात जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस की है, मैं बिग बाजार को कंसिडरेशन दे रहा हूँ एडवर्टीजमेंट के लिए, तो दैट बिकम्स माई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस विच आई विल चार्ज टू द पीएल बिकॉज इट इज अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अज्यूम ओट्स लिमिटेड इनवॉइस अमाउंट इज 1 लाख रुपीज, एडवर्टाइजिंग फीस 10,000 वेयर एज फेयर वैल्यू इज 8,000। अब ये अलग बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी सुना था कि इंड एस हमेशा फेयर वैल्यू कंसेप्ट को फॉलो करता है। तो अभी गिवन क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि एडवर्टीजमेंट सर्विसेज का फेयर वैल्यू 8,000 है, लेकिन हम बिग बाजार को 10,000 रुपए दे रहे हैं, यानी 2,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो इंड एस 115 बोलता है कि अगर आप फेयर वैल्यू से ऊपर कुछ देते हैं तो उसको आप अपने कंसिडरेशन में से माइनस कर लीजिए, यानी ट्रांजेक्शन प्राइस में से माइनस कर लीजिए। तो यहां पर हमारा ट्रांजेक्शन प्राइस आ जाएगा 1 लाख माइनस 2,000। 2,000 क्या है, फेयर वैल्यू के ऊपर हम कितना खर्चा कर रहे हैं, तो ट्रांजेक्शन प्राइस आ जाएगा 98,000 रुपीज। अब जो अगला क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑन डेफर्ड क्रेडिट पीरियड, वेरी इजी क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड सेल्स फर्नीचर फॉर 48,40,000 रुपीज टू अ कस्टमर फॉर 1st अप्रैल 2018, रिसीवेबल आफ्टर 24 मंथ, दैट इज 2 ईयर्स। कैश प्राइस 40 लाख है। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि अगर मुझे कोई आज पैसे दे रहा है कैश अप फ्रंट तो मैं उसको फर्नीचर 40 लाख में दे रहा हूँ, लेकिन अगर सामने वाले को 2 साल के बाद पैसे देने हैं तो मैं उसको बोल रहा हूँ भाई तू 48,40,000 रुपए दे, यानी कि जो 8,40,000 रुपीज का डिफरेंस है दैट इज माई एक्सेस कंसिडरेशन ओवर द कैश प्राइस। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट है ये, यानी कि ये जो है फाइनेंस कॉस्ट है, यानी ये मेरा इंटरेस्ट इनकम है, ना कि मेरा ट्रांजैक्शन प्राइस है, यानी कि मेरा रेवेन्यू नहीं है, ये मेरा फाइनेंस इनकम है। सबसे पहले हमको निकालना होगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलेगा, 2 साल बाद 48,40,000 है और आज 40 लाख है, तो यानी कि 48,40,000 डिवाइड बाय 40 लाख टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड।
अब टाइम पीरियड 2 है तो 1 बाय 2 है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट कर दिया, तो IRR आ जाएगा 10%। अब 1 अप्रैल 2018 को जब मैं सेल कर रहा हूँ तो मैं तो उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा, ना कि जिस प्राइस पे मैंने बेचा है। और फेयर वैल्यू मेरा 40 लाख है, तो मैं 1 अप्रैल 2018 को एंट्री पास करता हूँ, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 40 लाख। अब 31 मार्च 2019 यानी कि एक साल बाद मैं एक इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करूंगा, और इंटरेस्ट इनकम मैं रिकॉर्ड करता हूँ IRR पे, यानी कि 40 लाख पे 10%, दैट इज 4 लाख मेरा इंटरेस्ट इनकम होगा। तो मैं एंट्री पास करूंगा 31 मार्च 2019 को, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम 40 लाख। अब 31 मार्च 2020 यानी कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट से 2 साल बाद, अब मुझे एक साल का इंटरेस्ट इनकम मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया, तो एक साल का और करना है। ये जो इंटरेस्ट इनकम मैं रिकॉर्ड करूंगा ये मैं करूंगा 40 लाख प्लस 4 लाख यानी कि 44 लाख का 10%, क्योंकि एक साल बाद कस्टमर मुझे 40 लाख नहीं ओ करता है, वो ओ करता है 40 लाख प्लस 4 लाख। तो इस इंटरेस्ट इनकम पे भी तो इंटरेस्ट चार्ज करूंगा मैं, 44 लाख का 10% यानी कि 4 लाख 40 थाउजेंड। तो 31 मार्च 2020 को मैं एंट्री पास कर रहा हूँ, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम 4 लाख 40 थाउजेंड। अब कस्टमर अकाउंट का टोटल वैल्यू आ जाएगा 40 लाख प्लस 4 लाख प्लस 4 लाख 40 थाउजेंड, दैट इज 48 लाख 40 थाउजेंड। और 31 मार्च 2020 यानी 2 साल बाद कस्टमर पैसे देगा, उस दिन मैं एंट्री पास कर दूंगा कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट 48 लाख 40 थाउजेंड टू कस्टमर अकाउंट 48 लाख 40 थाउजेंड। आई विल बी अपलोडिंग द वीडियो नेक्स्ट पार्ट विद इन द नेक्स्ट 2 डेज। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन to stay updated and get notifications for every new video, and like the video, share it and comment for any doubts, queries or for any other thing. And lastly, thanks for watching.